दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में जो बात करेंगे सिब नोबी के बारे में, जिस टोकन का नाम है उसका नाम है सिंजा, यानी कि वो समथिंग आपको BSC स्कैन के ऊपर नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि जो टोकन है इथेरियम बेस्ड टोकन है, स्टैकिंग टोकन है। इसके अलावा यहाँ पे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, स्टैकिंग वैलेट्स, ये बहुत सारे इनके आने वाले हैं। और यहाँ पे अगर चेक कर सकते हैं कि यूनिस्वाप पे आप इसको स्वैप कर सकते हैं, परंतु यूनिस्वाप पे जो ट्रांजेक्शन फीस है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक ज़्यादा यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो बीटमार्ट के ऊपर से परचेज कर सकते हैं, बीटमार्ट, प्रोबिट एक्सचेंज एंड हॉटबिट एक्सचेंज के ऊपर। आज से दोस्तों एक महीने पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था समथिंग, जिसके बारे में मैंने बताया था सिब नोबी, ठीक है। उस टाइम इसकी जो प्राइस थी काफ़ी लो थी, और जिन्होंने भी यहाँ पे परचेज़ किया था उनका समथिंग 2x के यानी कि दोगुना या फिर तीन गुना के आसपास यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। अगर बात करते हैं सिब नोबी की तो मैं आपको पूरा का पूरा प्रोसेस बता देता हूँ। इसके अलावा अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और अदरवाइज़ अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से इसमें जाइए और यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ से आपको हमेशा नई नई अपडेट मिलती रहेगी, ठीक है। फटाफट से ज्वाइन करिए, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। तो चलो बात करते हैं सिब नोबी के बारे में। सिब नोबी दोस्तों समथिंग 4 एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है, फर्स्ट यूनिस्वाप, प्रोबिट ग्लोबल एंड बीटमार्ट एक्सचेंज, इसके अलावा हॉटबिट एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है। अगर बात करते हैं सेल्फ रिपोर्ट स्टैक्स की तो यहाँ पे एक ये भी एक मेटावर्स टोकन के अंदर आता है, और प्ले टू ईरान, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, स्टैकिंग एंड वैलेट एंड डेक्स भी इनका कमिंग सून यहाँ पे रह रहा है, ठीक है। अगर बात करते हैं इनकी जो रोड मैप है उसकी अगर बात करते हैं तो समथिंग जो इन्होंने बताया है कि वो ये करेंगे उन्होंने समथिंग वही किया है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे मैं जाऊँगा एक मिनट। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, डेवलपर वेबसाइट एंड गिव अवे, मार्केटिंग इन प्रोसेस, और ये जो फेस था ये भी कंप्लीट हो चुका है। जब मैंने टोकन लिया था तब ये फेस मैंने समथिंग कोइन मार्केट कैप के ऊपर लिस्टेड था, फेस 3 इनका चल रहा है। कोइन मार्केट के ऊपर लिस्ट जो बताया है वो हो चुका है। अगर कोइन गेंको की बात करते हैं तो वो भी हो चुका है। एक्सचेंज लिस्टेड की बात करते हैं तो वो भी यहाँ पर प्रोसेसिंग चल रहा है, यानी कि हॉटबिट के ऊपर आ चुका है, बीटमार्ट के ऊपर आ चुका है, और प्रो बिट के ऊपर आ चुका है, और gate.io पे अभी तक नहीं आया है। तो उसके पहले अगर आप यहाँ पे $5 से $10 का अगर परचेज़ करते हैं तो बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे हो सकता है, परंतु दोस्तों मार्केट है, ऑनलाइन रिक्स भी है, तो अपने हिसाब से करिए जो भी आपको करना है, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करते हैं तो crypto.com, ठीक है, crypto.com यानी कि एक्सचेंज के ऊपर भी आने वाला है। इसके अलावा अगर ये दो एक्सचेंज पे एक हम मान लेते हैं, नीचे बाइनेंस का दिया है, तो दो एक्सचेंज पे अगर आ जाता है, crypto.com तक आ जाता है, तो बाइनेंस के ऊपर भी आने की संभावना यहाँ पे बढ़ जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं दो दिन के अंदर कौन से एक्सचेंज के ऊपर आने वाला है। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि इन्होंने समथिंग यहाँ पर अगर मान के चलिए कि सिंजा फैमिली, इसके अलावा यहाँ पर मैं बता देता हूँ 20 मिनट पहले एक ट्वीट किया था, और यहाँ पे आप ट्विटर के ऊपर जाके चेक कर सकते हैं, 44.19% टोटल सप्लाई में से टोकन बर्न हो चुके हैं, और समथिंग ये जो नोल एड्रेस के ऊपर ट्रांसफ़र हो चुके हैं, यानी कि टोटल समथिंग 45% टोकन की बर्निंग हो चुकी है, ठीक है। ऑलरेडी इनकी बात करते हैं तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इनके टोकन्स हैं मार्केट में। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कितने परसेंट टोकन पहले बर्न हुए, उसके पहले दूसरी बात करेंगे। टोटल होल्डर्स की अगर बात करते हैं तो 51,000 है, जो इनके टोकन्स हैं वो अनलिमिटेड है, आप चेक कर सकते हैं। और ये जो टोकन है लगभग मान के चलिए होल्डर की अगर बात करते हैं 44.19% यहाँ पे बर्निंग हो चुकी है टोकन की। और सिंजा फैमिली की अगर बात करते हैं तो ये तीन एक्सचेंज की अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो ये आने वाले दिनों में अगर लिस्ट होता तो अच्छा खासा प्रॉफिट आपको देखने के लिए मिल सकता है। लेट्स गो 43 मिनट पहले इन्होंने बताया, और इसके अलावा यहाँ पे एक और ट्वीट आया जो आपके लिए एक बेस्ट यहाँ पे हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि एल बैंक है जो एक्सचेंज है उसके ऊपर भी ये लिस्ट होने की तैयारी है। फॉर एग्जांपल यानी कि सिंजा सिब नोबी जो टोकन है लिस्टेड एल बैंक एंड सिंजा 1 मिलियन यानी कि जो भी हैं इनका जो टारगेट है 29 तारीख को ये इनकी जो
डिपॉजिट है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी, 30 तारीख को ट्रेडिंग ओपन हो जाएगी, विड्रॉल यानी कि 31 तारीख को डिपॉजिट विड्रॉल सब कुछ यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो ये एक चांस है जो एल बैंक के ऊपर भी ये आ चुका है, तो बहुत सारे एक्सचेंज के ऊपर आ रहा है। उसके पहले अगर आप सिबा आईएनए से चूक गए हैं तो ये टोकन जो है सबसे ज़्यादा खतरनाक यहाँ पे आपके लिए बन सकता है और अच्छा खासा प्रॉफिट आपको दे सकता है। ठीक है, अगर बात करते हैं यहाँ पे तो इनका लॉन्च कटाना वैलेट यानी कि एक लॉन्च डोजो स्वैप, लॉन्च कटाना 2FA वैलेट एंड लॉन्च कुछ सारी ब्लॉकचेन। ठीक है, तो ब्लॉकचेन भी इनकी आने वाली है, तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या क्या होता है। तो उसके पहले अगर ये जो फेज़ 3 कम्प्लीट होगा इसके बाद में फेज़ 5 आएगा, उसके पहले आप परचेज कर लीजिए, क्योंकि अगर ये अगर आ चुका है तो टोकन में अच्छा खासा पंप आपको देखने के लिए मिल सकता है। पंप तो दोस्तों ऑलरेडी अगर crypto.com पे आएगा तो आपको वहाँ पे भी देखने के लिए अच्छा खासा मिल जाएगा। अगर बात करते हैं तो ये जितने भी एक्सचेंज है वहाँ पर अगर ट्रेडिंग चल रही है NUSD में चल रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर NUSD की अगर बात करते हैं तो आपको यहाँ पे अनलिमिटेड टोकन मिलते हैं। अगर NUSD की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे मान के चलिए अगर यहाँ से 2030 अगर बीच में से हट जाएंगे तो आपका पैसा है वो 400 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें आपको हमेशा नए नए नोटिफिकेशन मिलेंगे। और अगर अदरवाइज़ अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, जहाँ से भी आपको नई नई अपडेट यहाँ पर मिलती रहेगी क्रिप्टो ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।